हवेलिया विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद पाकिस्तान की राष्ट्रीय विमानन कंपनी ने बड़ा फैसला लिया है। पीआईए ने अपने बेड़े में मौजूद फ्रांस निर्मित 10 ATR टर्बोप्रॉप विमानों का संचालन रोक दिया है। विमानन कंपनी ने यह फैसला इसी तरह के एक विमान के कुछ दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त हो जाने और इसमें सवार सभी 47 लोगों की मौत हो जाने के बाद लिया है। दुर्घटना के समय विमान इस्लामाबाद जा रहा था। गौरतलब है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA का विमान PK-661 बीते बुधवार को चित्राल शहर से इस्लामाबाद जाते समय देश के उत्तरी क्षेत्र में एक पहाड़ी से टकरा गया था। विमान सेवा ने कहा है, विमान के दो टर्बोप्रॉप इंजनों में से एक इंजन फेल हो गया था। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।